आप लोग सभी ये बात जानते हैं कि पिछले दिनों श्रीमती प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने एक पहल करी थी और अनुमति मांगी थी उत्तर प्रदेश सरकार से कि जो लाखों मजदूर प्रवासी श्रमिक जो फंसे हुए हैं और उत्तर प्रदेश आना चाहते हैं और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे जो लोग फंसे हुए हैं और अपने गृह जनपद जाना चाहते हैं, उन लोगों को बसों द्वारा हम उनके घर पहुंचाना चाहते हैं और इसी के चलते 1,000 बसों की अनुमति हम लोगों ने मांगी थी कि 1,000 बसें हम अपने खर्च पे दे रहे हैं इन मजदूरों के लिए और हमें अनुमति मिले कि इनको इनके घर पहुंचाया जाए। काफ़ी समय तक तो उत्तर प्रदेश सरकार हमारी इस मांग को पूरी तरह से इग्नोर करती रही, हमारी इस मांग पे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब मीडिया का और आम जनता का दबाव उन पे बना, उसके बाद जाकर दबाव के चलते उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कहा कि हाँ, हम कांग्रेस पार्टी को अनुमति देते हैं कि अपनी 1,000 बसें चलाकर इन प्रवासियों को उनके घर वो पहुंचा दें। लेकिन ये अनुमति देने के तुरंत बाद ही बहुत ही निचले स्तर की राजनीति इस सरकार ने शुरू कर दी और जमकर दुष्प्रचार इस सरकार द्वारा, भाजपा के जो आईटी सेल के लोग हैं उनके द्वारा और खुद मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया। मुख्यमंत्री जी ने अनुमति देने के कुछ देर बाद ही ये कहा कि हमने कांग्रेस पार्टी से इन बसों की सूची मांगी है और हमें वो नहीं दी गई। लेकिन जो लेटर उत्तर प्रदेश सरकार से कांग्रेस पार्टी को दिया गया वो सार्वजनिक है, आपको वो कांग्रेस के पेजों पे मिल जाएगा, आपको मेरे फेसबुक पेज पे, ट्विटर पे, हर जगह वो लेटर मिल जाएगा, वो सार्वजनिक है। और 18 तारीख यानी कल वो लेटर भेजा गया जिसमें कि सूची मांगी गई, यानी कि ये बात सरासर झूठ है कि कांग्रेस पार्टी से सूची मांगी गई थी और कांग्रेस पार्टी ने सूची नहीं दी। खैर, मुख्यमंत्री जी के बयान के बाद तुरंत हम लोगों ने अपनी बसों की सूची वहां भेजी, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही हमने देखा कि एक नए तरीके का दुष्प्रचार शुरू हो गया। कल देर रात करीब 11 बजे के बाद उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से हमें एक लेटर मिला जिसमें कि ये लिखा था कि ये जो आपकी बसें हैं, इन बसों को जरूरी कागजात के साथ लखनऊ भेजा जाए। यानी कि आप समझिए कि जहां पे लाखों लाख लोग उत्तर प्रदेश की सीमाओं पर खड़े हैं, आप लोग वीडियो देख रहे होंगे कि कितनी बेसब्री से वो लोग अपने घर जाने का इंतजार कर रहे हैं, किस तरह से इतने सारे लोग परेशान हैं, बसों का इंतजार हो रहा है। वहां ये सरकार कहती है कि आप अपनी खाली बसों को पहले लखनऊ भेजिए दस्तावेज के साथ और उसके बाद आपको हम अनुमति देंगे। बेशर्मी की हर हद पार कर दी है इस सरकार ने। योगी जी, एक बार आप यही सोच लेते कि जब ये खाली बसें नोएडा गाजियाबाद से चल के लखनऊ जाएंगी, उस बीच बीसीओ जिले पड़ते हैं उत्तर प्रदेश के, जहां के मजदूर आज आपकी सीमाओं पे खड़े हैं, उनको उनके घर छोड़ा जा सकता है, लेकिन समय की बर्बादी, पैसे की बर्बादी, हर बर्बादी के लिए आप तैयार हैं क्योंकि आपको राजनीति करनी है। यानी कि पहले इन बसों को, खाली बसों को लखनऊ ले जाया जाए, वहां पे ये अनुमति देंगे, फिर ये खाली बसें चल के वापस आएंगी और लाखों लोग जो इस गर्मी में, इस संकट के समय में सीमाओं पे खड़े हुए हैं, वो इंतजार करेंगे कि जब इन बसों को अनुमति मिलके ये खाली बसें वापस आए, उसके बाद इनको घर भेजा जाए। हर दिन हम लोग देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में जो मजदूर चाहे चल के आ रहे हैं, चाहे ट्रकों से, अलग अलग गाड़ियों से आ रहे हैं, किस तरह उनकी सड़कों पर मौत हो रही है। कल ही महोबा में भी हमने देखा कि एक गाड़ी के पलट जाने से मजदूरों की मौत हुई और कई मजदूर उसमें घायल हुए। यह सब मजदूर वो है जो मजबूर हैं क्योंकि इनके पास सुविधा नहीं है, बसें ट्रेन इनको नहीं छोड़ रही, इसीलिए ये मजबूर हैं ट्रकों में, अलग अलग गाड़ियों में किसी तरह से भर भर के जानवरों की तरह अपने घर जाने के लिए। लेकिन जब हम बसों की सुविधा दे रहे हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि 1,000 बस हम देंगे, तब ऐसी क्या परेशानी है सरकार को कि ऐसे समय पर भी इनको राजनीति करनी पड़ रही है। मैं ये बात आप सभी लोगों को बताना चाहती हूं कि इस सरकार ने क्या राजनीति इसमें करी है और किस तरह का दुष्प्रचार ये लोग कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं। कल रात को ही जो हमें लेटर मिला है उसमें साफ साफ ये लिखा है कि आप इन बसों को
इनके कागजों के साथ लखनऊ भेजिए, हम वहां से अनुमति देंगे, उसके बाद आप बसों को चला सकते हैं। इससे ज्यादा शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती कि जहां हजार बसें सीमाओं पर खड़ी हैं और लाखों मजदूर उन बसों में बैठकर अपने घर जाना चाहते हैं, इस समय पर यह ओछी राजनीति हो रही है। हम उत्तर प्रदेश सरकार से और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से सिर्फ इतनी सी विनती करना चाहते हैं कि इन बसों को चलने दें, इन प्रवासियों को इनके घर पहुंचने दें, और उसके बाद आप जो चाहे जैसी चाहे राजनीति कर सकते हैं। आप कांग्रेस पार्टी पे जो लांछन लगाना चाहे आप लगा सकते हैं, आप हमें गाली देना चाहे, हमारा तिरस्कार करना चाहे, हमारे लिए कोई भी ओछी बात करना चाहे, हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। आप राजनीति करिएगा, आप हमें कुछ भी कहिएगा, लेकिन इस समय उत्तर प्रदेश के हजारों लोग ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कांग्रेस पार्टी द्वारा ये जो हजार बसें दी गई हैं इसमें बैठकर वो अपने घर पहुंच पाएंगे। कृपया इन लोगों को इनके घर पहुंचने दें, हमें बसें चलाकर इन लोगों को इनके घर सही सलामत इनके परिवार के पास भेजने दें। उसके बाद आप जो राजनीति करेंगे, जो लांछन लगाएंगे, जो हमें कहेंगे, हम उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। ये जो दुष्प्रचार आप कांग्रेस पार्टी के खिलाफ कर रहे हैं, इतनी अगर शक्ति और इतना समय आप इन मजदूरों की, इनकी जो इनको घर पहुंचाने में, इनकी जरूरतें पूरी करने में अगर इन पे लगा देंगे योगी जी, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पूरे दिन सिर्फ कांग्रेस पार्टी के खिलाफ आप लोग दुष्प्रचार करते हैं। हम कह क्या रहे हैं, हम मांग क्या रहे हैं? हम इतना ही तो कह रहे हैं कि जो काम सरकार नहीं कर पा रही है, या सरकार जिस काम को पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रही है, उसमें थोड़ा एक छोटी सी बात है कि कुछ सहयोग हम देना चाहते हैं इन प्रवासियों को इनके घर पहुंचाने के लिए, लेकिन उसकी अनुमति भी आप हमें नहीं दे रहे हैं। योगी जी, हमारी बसें चलने दे, इन लोगों को इनके घर, इनके परिवार के पास पहुंचने दे, उसके बाद आप जैसा चाहेंगे, हमें स्वीकार है, आप हमें दंड देना चाहें, आप हमें गाली देना चाहें, हम उसके लिए तैयार बैठे हैं। इन लोगों को इनके घर पहुंचने दे, बस इतनी हम लोगों की आपसे दरख्वास्त है। इसी बात के साथ मैं अपना मैसेज खत्म कर रही हूं। योगी जी, बसों को चलने दे, लोगों को घर पहुंचने दे। धन्यवाद।